नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मुनिवेदिता बुलेटिन रे रहिछि अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर ता उपरे नजर पकाइबा हेले प्रथमे हेडलाइन्स। पूर्वतन रणजी खेलाड़ी प्रशांत महापात्रों परलोक भुवनेश्वर एम्स चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु सूचना देले एम्स सुपरिटेंडेंट सचिदानंद महा। राज्य में तौक खसुनी कोरोना मीटर गत 24 घंटे 11,900 पॉजिटिव चिन्हट संगरोधर 6,214 स्थानीय संक्रमण 4,885 खोर्धार सर्वाधिक 1460 नुआ आक्रांत पुणि 21 मुंड नेला महामारी। संबलपुर बुर्लारे कोविड हॉस्पिटल रे अव्यवस्था अभियोग रोगी को भूल इंजेक्शन देवा उद्यम अल्पके बर्तला जड़े गुरुतर कोविड रोगी पुलिस रोगी संपर्कों मध्य मुहांमुई परिस्थिति अनुगुल धारण में बसिले मुख्य। आज प्रधानमंत्री गुजरात और डामनडीह गस्त आकाशमार्ग करेंगे बात्या क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन अहमदाबाद में गुरुत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। आरब सागर पर बंगोपसगर दाना बांधुच्छे आउ एक लघुचाप मे 23 बेलू नहीं पारे बात्यार रूप पारादीप दीघा मध्य छुई पारे स्थलभाग। एवं भूकंप में थरला नेपाल पोखरा रिक्टर स्केल तीव्रता 5.8 भूकंपर केन्द्रस्थल लाबाजों जिलार भुलबुल मिलनी क्षयक्षतिर सूचना। बुलेटिन आरंभ करिबा एक दुखद खबर पूर्वतन रणजी खेलाड़ी प्रसाद महापात्रों परलोक घटी भुवनेश्वर स्थित एम्स चिकित्साधीन अवस्था देहांत होने एम्स सुपरिटेंडेंट सचिदानंद महांती सूचना देते। पूर्व बापा पद्मश्री रघुनाथ महापात्र कोरोन संक्रमित हो मृत्युवरण करते बाप पु कोरोना संक्रमित हो भुवनेश्वर एम्स भर्ती होते स्वास्थ्यावस्था गुरुतर होईसीयू में भर्ती कर मे 9 तारीख अपराह पद्मश्री रघुनाथ महापात्र परलोक होता प्रशांत अवस्था गुरुतर थी वेंटिलेटर रखा जाता चिकित्साधीन अवस्था प्रसाद महापात्र मृत्यु हो। सतरूपा सामंतराय और भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबद आलोचना पर आम सहित जोड़ सतरूपा जहाँ खबर आसूसी जे पूर्वतन रणजी खिलाड़ी रही प्रसाद महापात्र परलोक घटी जदि कह पूर्व बापा कोविड मृत्यु होता निहाती भाव में निवेदिता पुणी एक दुखद खबर सारा ओडिशा पई पूर्वतर रणजित खेलाड़ी जो रही प्रशांत महापात्र देहांत होइछि एने भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल पक्षर यह सूचना दिया जाइछि। गत किछि दिन तले बापा मृत्यु परे परे ही से एम्स हॉस्पिटल चिकित्साधीन थिले एवं चिकित्साधीन अवस्था ही मृत्यु घटिथिबार सूचना मिली एवं कारण देखु पूर्व जिते बापा देहांत होता किसी दिन पूर्व से कोरोन संक्रमित हो से कोरोन संक्रमित होते भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल चिकित्सित होते पद्म विभूषण स्वर्गत रघुनाथ महापात्र पुओ प्रशांत महापात्र वर्तमान परलोक से कोरोन संक्रमित थे जदि कह बाप पुओ दुई जन जाक कोरोन संक्रमित थे दुई जन जाक भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल चिकित्साधीन अवस्था थे और चिकित्साधीन अवस्था किसी दिन पूर्व बापा मृत्यु होता बेले आज पु प्रशांत महापात्र देहांत होती भाव में सारा ओडिशा पई यह एक दुखद खबर। गत मे मस 9 तारीख दिन जिते बड़े रघुनाथ महापात्र देहांत करते आज गोटे आज पु प्रशांत महापात्र देहांत होती तो कौटि ना कौटि सारा ओडिशा पई ये एक दुखद खबर। एवं प्रशांत महापात्र पूर्व समस्त जानते से पूर्वतन रणजी खेलाड़ी अनेक से रणजी क्रिकेट रणजी खेलाड़ी एवं या सहित देखो जदि गोटे देखा कोरोनार काया एते धीरे धीरे विस्तार होती जे सारा ओडिशा पई प्रत्येक दिन कौटि ना कौटि एक दुखद खबर आसुची। पद्म विभूषण स्वर्गत रघुनाथ महापात्र पुओ प्रशांत महापात्र वर्तमान देहांत होती सबु महल रु राजनीतिक महल कथा कहतु बुद्धिजीवी महल कथा कहतु सबु क्षेत्र सबु सबु दिगर शोक जो रही शोक बार्ता आसुची तो निहाती भाव में निवेदिता देखु गत मे मस 9 तारीख दिन कथा जदि कह पद्म विभूषण शिल्पी रघुनाथ महापात्र
देहांत होता आज पुओ प्रशांत महापात्र देहांत हो भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे कोविड रे से चिकित्सा दिन अवस्था थिले एवं तांकर चिकित्सा चली गत किसी दिन पूर्व जहां एम्स कर्तृपक्ष तरफ कहला कि देह तांकर धीरे धीरे सुस्थ अछि किंतु चिकित्सा दिन थिले किंतु कोविड रा लक्षण आमे समस्त देखुचे कोविड रा लक्षण रे सब बेले परिवर्तन घटुचि तो निहाती भाव रे तांकर देह रे जो रहितला इन्फेक्शन मात्रा अधिक रहितला जहां फल रे तांकर आज देहांत होइतिबार सूचना मिलिछि। भास्कर्य शिल्पर जे प्रतिष्ठाता जदि कहले किसी भूल हेबो नहीं पद्म विभूषण स्वर्गत रघुनाथ महापात्र पुओ प्रशांत महापात्र कोरोना रे वर्तमान परलोक होती भुवनेश्वर एम्स हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होती। निवेदिता नियंती बहुत बहुत धन्यवाद सतरूपा सामंतराय भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद जहाँ सूचना देते परिवार को आमे समबेदना जनवा जोभली एक समय को समय धैर्यर सह सह्य करूँ कहीं पूर्वर पद्मश्री रघुनाथ महापात्र परलोक हो सारी आज पुओ रंजी खेला जे रही है प्रशांत महापात्र परलोक घटी तेज उभय बाप पुओंर कोरोना द्वारा आक्रांत हो से एम्स हॉस्पिटल से चिकित्सित होते पूर्व जे रही कला भास्कर शिल्पी रघुनाथ महापात्र कोरोन मृत्यु होता है और आज पुओंर परलोक राज्य में जारी रही 10,000 उपरे ट्रेन 24 घंटा रे 11,000 अनिश्चित नुआ पॉजिटिव खोर्धा जिले में सर्वाधिक आक्रांत चिन्हट होती पुणे उड़े जीवन नहीं किलर भाइरस चिन्हट संक्रमित 6,214 जन क्वारंटीन रु चिन्हट होता बेले 4,885 जन लोकल केस रही खोर्धारु 1460 नुआ आक्रांत चिन्हट होती सुंदरगढ़ 983 कटक्रु 867 संबलपुरु 547 अनुगुलु 552 जन मयूरभंजु 507 भद्रकु 431 बालेश्वरु 408 जाजपुरु 378 बरगढ़ 348 पुरीरु 356 जगतसिंहपुरु 302 झारसुगुड़ 307 कलाहांडी 249 बलांगीरु 288 केन्द्रापड़ 156 केउंचर 165 कोरापुट 280 मालकानगिरु 102 नवरंगपुर 351 बौद्ध 213 ढेंकानाल 162 देवगढ़ 107 गंजाम 196 कंधमाल 88 नयागढ़ 277 नुआपड़ 232 सेपरि रायगड़ 127 सोनपुर 252 और गजपति 82 जन आक्रांत चिन्हट होते तेज राज्य में मोट संक्रमितों संख्या 6,44,401 रही जमापड़े। दिव्यज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि बाबद आलोचना पर आम सहित फोन लाइन में जोड़ दिव्य जदि कहमती आम कथा हो पूर्व बुलेटिन रे वर्तमान राज्य सरकार सब प्रकार प्रस्तुत किंतु कोठना कोठी ए चेन ब्रेक हे हे तो आहरी समय लगे निश्चित भाव जो कथा कहला सुधा फिट होशा ये प्रश्न था कि जेहेतु लॉकडाउन सरकार लगे राज्य यार भर प्रथम पर्याय लॉकडाउन शेष होगा जाऊँगी तो क्यों ना क्यों लॉकडाउन रो कह फलस्वरूप आज ओडिशा गोटे प्लाटू स्थित अच्छी अर्थात समांतर स्थित अच्छी मे मस देखे प्रत्येक दिन 10,000 रु 12,000 भितर संक्रमित संख्या रोचे एपर्तंत आप देखे मे मस 2,00,000 संक्रमित चिन्हट हो सारे और 335 जन जीवन नहीं सारा महामारी केवल मे मसरे तो से कहुच मे मस घातक होप्रिल मस अपेक्षा सहित आप देखिए अन्य तमाम दिग्वर क्यों ना क्यों राज्य कहु 15 दिन अंत स्थित रहा जून मस 1 तारीख कि जून मस 5 तारीख बेलू परिसंख्यान धीरे धीरे कम तो जून मस जाए अपेक्षा रही है द्वितीय पर्याय लॉकडाउन आरंभ होते प्रभाव पकाऊँ ये समय संक्रमण संख्या कमुची कि नहीं तापर निश्चय नजर रही विशेषज्ञ मैंने जदि कहते द्वितीय पर्याय लॉकडाउन निहाती आवश्यक था तो से दृष्टिकोण राज्य सरकार द्वितीय पर्याय लॉकडाउन जारी कर तो यह केत दूर प्रभाव पकाऊँ के संक्रमण चेन ब्रेक होश्चय नजर रनपटे आप देखिए जो भाव में खोर्धा जिला गोटे चिंता बढ़ाई खोर्धा जिले में प्रत्येक दिन 1500 पाखापाखि संक्रमण चिन्हट होती खोर्धा जिला किसी नुआ एक्शन प्लान किसी नुआ प्लान निश्चय कहते कितु गत काली जो राज्य सरकार घोषणा करते खोर्धा जिला विशेष कर
जहाँ अन्य तमाम जगह पे जो कटकणा कराई खोर्धा जिला पे से कटकणा कराई दिव्य जे गोटे समय रे खोर्धा को पछरे पकाई कटक नंबर 1 को जाउथला किंतु पुणी थरे समान स्थिति देखबा को मिलछि जे खोर्धा नंबर 1 रे रहिछि अर्थात एठारु सर्वाधिक संक्रमित चिन्हट होइछन्ति तेणु कोटना कोटी खोर्धा वर्तमान चिंता बढ़ाऊ तेणु याको अधिक फोकस करबा दरकार बोली जा डाक्टर एवं विशेषज्ञ माने मत रखुछन्ति एवं दिव्यज्योति महांति आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि ए बाबदरे आलोचना करथिले आम सहित जोड़ी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपण तमाम सूचना पाई बुर्ला कोविड हस्पिटाल रोगी जीवन सह खेल रोगी को भूल इंजेक्शन देवाक उद्यम होता अभियोग अल्पके बर्तिले जड़े गुरुतर कोविड रोगी तेज रोगी जनक होती बिमसारे कार्यरत स्टाफ नर्स पूर्णिमा कुंभार पूर्णिमा कहवा कथा है जे से कोविड रे आक्रांत हो प्रथम बुर्ला कोविड हस्पिटाल चिकित्सित होते तेरे अवस्था गुरुतर थी दिनक गोटे रेमडेसिविर इंजेक्शन देवाक डाक्तर परामर्श देते इंजेक्शन सका समय थे दि जाता बेले सन्धार पुणि थे उक्त इंजेक्शन देवाई से ड्यूटी जड़े कोविड नर्स आसते तेज पूर्णिमा उक्त नर्स को इंजेक्शन देवाई बारण करते नर्स जनक से इंजेक्शन किसी परिमाण दे सारी बेले पूर्णिमा निज हाथ को टाणी आनी तेज घटना संपर्क में खबर पाई स्थानीय लोके उत्तेजना प्रकाश करते खबर पाई बुर्ला पुलिस घटनास्थल में पहुंची उत्त्यक्त लोक बुझासुझा करने समय पुलिस और लोकों मध्य मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होता ज्योति रद्द आम बुर्ला प्रतिनिधि ए बाबद आलोचना पाई आम सहित जोड़ी ज्योति जो चित्र सामना को आसुची जे प्रकृत रे जो रोगी को जो इंजेक्शन दिया जाऊला जे प्रकृत रे जिते बे रेमडेसिविर से जहाँ अभियोग करोपाई उत्तेजना प्रकाश पाई से कहवा कथा गोटे टाइम दबा कथा कि कहीं दुई थर दि जाऊला प्रकृत या पचर कारण कौन किंतु गत काली जो भाव जो बड़ घटना जो सामना आसूसी एक इंजेक्शन जोटा कि जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन रोज जो डाक्टर परामर्श दीजिए दिनों को थे देवार कथा किंतु से दुई थर दौते जहाँफल मृत्यु मुख सम्मुखीन हमार संभावना था जहाँफल आम देखा यहाँ बड़ विषय हूँ से रोगी जनक निजे सरकारी नर्स स्टाफ से जन सिनियर से जापारे कि प्रकृत में ये इंजेक्शन दीदी दुई थर ना कथ आवश्यकता नुहे कि समय बारण कालापर सहित जो नर्स दीदी आसी देवाई से सहित जुक्ति करते सहित मानने कथबार्ता सहित कथा कथा को नहीं चलता कितु से समय से संपूर्ण बारण कर उच्च जो डाक्तर अच्छे से अभियोग कर अभियोग कालापर से कथ बुझा बोली कहते कि सीधा सल मो सहित पुह मत मत जोड़ी होती जो अभियोग खाली करते कि से नहीं घटना को लेकिन से कौन प्रतिक्रिया रखी माँ को अभियोग नहीं सीधा सब पुह मो सहित अच्छे सीधा पचार खाली गत काली जो घटना घटी की आप माँ को जो भूल आप जो अभियोग कर कौन अच्छा घटना माँ सीनियर स्टाफ होकर गला शुक्रवार दिन से एडमिट होते एडमिट होने सर फाइव डेज रोटे डोज दिखाला रामदेसिविर जोटा कि सर पर डे गोटे डोज दिखाई कथा तो गत काल कथा सर अलरेडी मर्णिंग गोटे डोज दिखाला तो इवनिंग में जितने बेले आउ गोटे नर्स आसे आ गोटे डोज 10 ml इंजेक्शन नहीं कर जिनटा कि सर से गोटे एंटीबायोटिक है ताकि डायल्यूट कर लाइन में देवा कथा मेथ्रे 100 ml करेंटा कि 1 hr तक चलते सर 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 से 10 ml सिरिंज रे लोड कर डायरेक्टली इंजेक्ट करवा लगे माँ जेनटा कि आम डॉक्टर को भी जब डायरेक्टली इंजेक्ट कले कह तो डॉक्टर को डायरेक्ट प्रतिक्रिया था जब डायरेक्ट इंजेक्ट कराबा 10 ml सिरिंज तो सर इसकी जानला परे भी मां जितले तर संग आर्गुमेंट कला कि नहीं ओके बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति नंद अब बुर्ला प्रतिनिधि बाबद आम सहित आलोचना करते अभियोग आसूस जो बुर्ला कोविड हस्पिटा किभली भाव रोगी रोगी जीवन सहित खेल खेल जाऊँ भूल इंजेक्शन देवाक उद्यम करुवा बेले जहाँ अभियोग आसी जड़े नर्स जितेबाद से ट्रिटमेंट पर भर्ती होते रेमडेसिविर जो इंजेक्शन दि जाता गोटे थर दे कथा कि जी रही थे नर्स से आसी दुई थर दे बारण करते जो उत्तेजना प्रकाश पाई मेडिकल परिसर में एमती लाखड़ा आज्ञा मैंने कर इंजेक्शन झुली से इंजेक्शन नहीं देकर पलैला से कहूँ तुम गोटे लोक के पठाओ जदि से झील नहीं देखा मुझे 100 ml एन एस पठेदेवि तुम्हें तेल मिसे कर देदेव देखना आज्ञा गोटे 40,000 टकर इंजेक्शन सका दे मत एवं गोटे लोक नहीं पाइक मरुछन भावुन बोले के खाम खेली सका गोटे डोज देला कहते मैंने इरेस्पोनसबिलिटी एटकी है
ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲେ ମୋର ମାଆକେ। ମୋର ମାଆର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ମାଉସୀ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବୋଲେ ସେ ଯେତିକିଲେ ଜାଣିଲା କି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଯାଇକରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯିଏ ନର୍ସ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଥିଲା ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ତାର ହାତ ଧରି ପକାଇଲା ମନା କଲା କି ନାଇଁ ଦିଅ। ତ ସେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲା ସେ ନର୍ସଟା ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗେ କି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲେ ଯିଏ ମୋର ମାଉସୀ ଥିଲା ସେ କହିଲା କି ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ ଦିଆ ହୁଏ ବୋଲିକରି। ତ ସେ ନର୍ସ ଫେର୍ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲା ଯେ ନାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି ତାପରେ ଯାଇକରି ତଳେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଲି। କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଧାରଣା ଦେଲେ ରୋଗୀ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାଳଚେର କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପରିସରରୁ। ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଶୌଚାଳୟର ସ୍ଥିତି ବି ଶୋଚନୀୟ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ରୋଗୀମାନେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ରୋଗୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଳଚେର ମହୁଲପାଳ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଧାରଣାରତ ରୋଗୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତପନ ଦାସ ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମେଡିକାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ, ମେଡିକାଲରେ କେଉଁ ଭାବେ ସବୁ ସୁବିଧା ରୋଗୀଟିଏ ପାଇପାରିବ, ଏ ପାଇଁ ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ୟା ମଧ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ପରିସରରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାପରେ ଅନୁଗୁଳରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କଥା, ଇଏ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର କଥା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନରେ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁଭଳି ପରିଚାଳନା ହଉଛି। ଯଦିଓ କିଛି ରୋଗୀ ସେଠି ସାହସ ଜୁଟାଇ ଖବରକୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଲାଗି ରହିଛି। ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି 30-35 ଜଣ ରୋଗୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ ତ କାହାକୁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଠିକାର ଯୋଉ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସଫେଇ ହଉ ବା ଶୌଚାଳୟର ସଫେଇ ହଉ, ଏସବୁରେ ବ୍ୟାପକ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଏ ନେଇ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିପାରୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏ ରୋଗ ଆଜି ସକାଳେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ରେ ରହିବା କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା କଥା, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ସାମାଜିକତା ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଠାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବଡ ସାଂଘାତିକ କଥା, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥାତ ତପନ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ, ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତାଳଚେରରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେ ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି, ଯେ ଏଥିନେଇ ସେମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର କୌଣସି ନାମ ନିଶାନ ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପନ ଦାସ, ଆମ ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଡାମନଡିଉ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ ସାଇକ୍ଲୋନ ତାଉତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରହିଛି ତାର ଆକଳନ ସହିତ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ ତାଉତେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି, ଯାହାର ଭୟଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ତାଉତେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏ ବାତ୍ୟାରେ ଧନଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି, ବ୍ୟାପକ ଗଛ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି।
ସେବଡେ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ତାଉକତେ ମଙ୍ଗଳବାର କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଗୁଜରାଟର ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଏହା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ତାଉକତେ ଗୁଜରାଟ ଦିଶାରୁ 120 କିଲୋମିଟର ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗରର ପଶ୍ଚିମରେ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅନୁଭୂତ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୌକତେ ପ୍ରଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏବେ ବି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟରେ 16,000 ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ, 70,000ରୁ ଅଧିକ ବିଜୁଳି ଖମ୍ବ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 6,000 ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଓ ବତାଶ ଥମିଛି, ଫଳରେ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଉକେତରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଐତିହାସିକ ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି। ଏହା ନିକଟରେ ଥିବା ଫୁଟପାଥକୁ ସମୁଦ୍ର ଭସାଇ ଦେଇଛି। ଗେଟ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ ଓ ଲୁହା ବାଡ଼ ବାତ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ବନଖଣ୍ଡ କଙ୍କିଳି ଜରିତୋଇଲା ଗ୍ରାମର ରେଣୁ ସେଠୀ। ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ଆମ୍ବ କଟାଉଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଡ଼ି ସାରୁଛୁ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।